एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट मेन्यू में हम हॉरिजॉन्टल लाइन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं फुटनोट एंड नोट। अगर आपको ये ऑप्शंस देखने हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फुटनोट एंड नोट। तो फुटनोट और एंड नोट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज किस लिए होता है, आज उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। तो फुटनोट, मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, एक लाइन के बारे में कुछ अलग से इम्पोर्टेंट कुछ भी आप बताना चाहते हैं, तो वो अगर आप चाहते हैं कि वही चीज आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है आपके इस पेज के एंड में लिखा हुआ है तो वो आपका फुटनोट होता है। एंड आप चाहते हैं कि उसी के बारे में जो आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या आपको जो कुछ भी अलग से एक नोट दे रहे हैं उसके बारे में, वो डॉक्यूमेंट के एंड में आए, तो आपको क्या इंसर्ट करना होगा, एंड नोट। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि अगर आपको उसी पेज के एंड में चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन या वो नोट उस पेज के एंड में आए तो फुट नोट होगा, और आप चाहते हैं वो नोट उस डॉक्यूमेंट के एंड में आए तो वो एंड नोट। ठीक है, काम दोनों का सेम है कि आप एक नोट इंसर्ट कर सकते हैं, तो लेकिन पेज के एंड में करना होगा तो आप फुट नोट यूज करेंगे, और डॉक्यूमेंट के एंड में करना होगा तो आप एंड नोट यूज करेंगे। एक और मेन डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट आपका फुट नोट क्या होता है, 1, 2, 3 की सीरीज में आएगा, और एंड नोट आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि रोमन में आएगा, स्मॉल रोमन जो आपकी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट करते हैं फुट नोट पहले। तो मान लो मुझे यहाँ इसके बारे में एक नोट लिखना है, स्टेप्स के बारे में एक नोट लिखना है, या किसी भी चीज के बारे में आप एक नोट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एंड हम इंसर्ट में जाएंगे, हमें क्या इंसर्ट करना है, फुट नोट, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इसी पेज के एंड में एक वन लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे आपने कुछ भी, मान लीजिए ABCD, ये नोट आपने इसके बारे में कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर चुके हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर वन है, और आप देखेंगे यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, वन लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नीचे जो नोट दिया है वन नंबर से, वन सीरीज से, वो किसके बारे में, जो यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर वन लिखा है। ऐसे मान लो मैं सडनली वर्ड के बारे में कुछ लेना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं फिर से कर रही हूँ इंसर्ट फुट नोट, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड में कुछ लिखा गया XYZ, में करके ले लेती हूँ कुछ भी। ये सेकंड नोट मेरा किस चीज के लिए है, जिसपे सेकंड नंबर लिखा होगा, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला फर्स्ट पेज पे वन लिखा है, तो ये वन वाला वन के लिए है जिसपे वन लिखा हुआ है, नोट आपको दिया हुआ है, और सडनली पे आप देख रहे हैं टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला नोट आपका टू के लिए है। तो ये आपका फुट नोट ऑप्शन का यूज है कि कोई भी नोट आप अलग से दे सकते हैं पेज के एंड में फुट नोट के थ्रू। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो फुट नोट होता है बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3 की फॉर्म में आता है, 1, 2, 3 की फॉर्म में। मान लीजिए आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो जो नोट आपने इसके बारे में लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर, ये जो आपको शो हो रहा है इस पे आपको देखेंगे हैंड बन के आ रहा है, और हैंड के थ्रू यहाँ पे आपको जो भी उस नोट के अंदर आपने लिखा है वो भी आपको लिखा हुआ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपके बुक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपको पेज में कोई भी एक अलग से नीचे नोट दिया हुआ होता है, उसके बारे में एक नंबर आपको दे दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस वर्ड के बारे में नोट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में सेकेंड वाले पे कर्सर रखूँ तो सेकेंड के बारे में मैंने जो भी नोट लिखा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये आपका फुट नोट ऑप्शन का यूज है। मान लीजिए मैं ये डिलीट कर देती हूँ, ये वाला मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ वन को, मैंने इसको डिलीट किया, तो आप देखेंगे जो मेरे फर्स्ट पोजीशन पे था वो हट चुका है, और सेकंड वाले को फर्स्ट पोजीशन दे दी गई है। यहाँ पर भी सेकंड वाले को फर्स्ट पोजीशन दी गई है, इस पर मैं क्लिक करूंगी, ये देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजिशन हो रही है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सडनली को पहले टू नंबर दिया हुआ था, अब यहाँ पर भी इसका फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन यहाँ से शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर मैं डबल क्लिक करी तो इसके एडिट के ऑप्शन आ जा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक रखना है या कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए, परसेंटेज का आना चाहिए, ओके एंड ओके। तो ये वन हट के ये परसेंटेज का ही साइन आपका यूज होगा, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपका 1, 2 ही आता है, लेकिन आप चाहे तो इनमें एडिटिंग कर सकते हो डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे पूछा है कि आप जो ये एडिटिंग कर रहे हो फुट नोट के लिए कर रहे हो या एंड नोट के लिए कर रहे हो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये एडिटिंग हम फुट नोट के लिए कर रहे हैं। तो मैं इसको वापस से कैरेक्टर को हटा देती हूँ, इसको ऑटोमेटिक रखती हूँ एंड ओके, तो ये आपका वापस से वन में आ जाएगा। मान लीजिए इसी पेज पे मैं यहाँ पर इसके बारे में या पर्टिकुलर के बारे में अब फुट नोट ना ऐड करके एंड नोट ऐड कर दी, तो वापस से मुझे इंसर्ट में जाना है एंड
फुटनोट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अब आपका आ रहा है एंड नोट। तो यहाँ पर आप कोई भी एंड नोट, तो ये पेज के एंड में नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा ये आपका, डॉक्यूमेंट के एंड में। अब आप देखिएगा, तो जैसे मैंने उस पर वन पे फर्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पे मेरा आ जाता है डायरेक्टली, जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके उस पे पहुंच सकते हैं कि जिसके बारे में नोट है। जैसे मैं क्लिक करूंगी, जिसके लिए फर्स्ट लिखा हुआ रहा है, मैंने आपको बताया था एंड नोट आपका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा। बाकी डबल क्लिक करके आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका पहुंच जा रही हूँ। तो ये ऑप्शन है आपका फुट नोट और एंड नोट का, इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फुट नोट और एंड नोट ऑप्शन का यूज़ आपको कैसे करना है। यही ऑप्शन, इसमें एडिट के ऑप्शन आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया है, अगर आपको एडिट करनी है तो आप डबल क्लिक नहीं करके करना चाहते हैं, तो यहीं पर आपको ऑप्शन दिया है फुट नोट एंड एंड नोट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके करेंगे और जो भी आप चेंजेस करते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आई होप सो आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, एंड नोट एंड फुट नोट का। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।